तो जैन साथियों, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में और एक नए एक्सरसाइज के साथ हम एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए, तो पिछली वीडियो में आप 5.2 का पूरा कवर कर चुके थे, इसमें 5.3 को हम लोग प्रश्न संख्या 5 तक ही पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक टर्म होता है एसएन, और सोच में पड़े होंगे कि एसएन होता क्या है। अब देखिए, ये एपी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये समझने के लिए। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में यही पढ़ेंगे कि मान लीजिए जो इतना टर्म दिया है इसको पूरा को जोड़ दें, मतलब 2, 4 कितना हुआ, 6। फिर देखिए, 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 12। 12 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा जी, 18। सॉरी, ये 6 नहीं है, 12, 8, 20, 20, 10, 30, ऐसे करके 30 तक आया ना हमारा पूरा संख्या, कितना तक आया, 30 तक आया। ठीक है, 30 तक आया, लेकिन ये कितना था, 5 अंक था, तो आप जोड़ लिए, 5 अंक था तो आप जोड़ लिए। अगर 5 से बहुत ज्यादा रहता तब क्या करते हैं, 5 से ज्यादा नहीं जोड़ पाते ना, थोड़ा दिक्कत होता। देखिए, तो उसी लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या फॉर्मूला बनाया गया है, एसएन। एसएन होता क्या, ये फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला ये है, एसएन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, अब देखिए, अब सोच रहे हैं कि एसएन क्या है, वही एसएन है जो हम 5 के जोड़ के निकाले थे ना, जो कितना आया था, शायद 30 आया था, इसी को बोलेंगे एसएन। 30 आया था ना, इसी को बोलेंगे एसएन। ठीक है, एसएन बोल देंगे। और एन क्या है, पदों की संख्या, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एन, उस समय से यही पढ़ते आ रहे हैं एन, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो एन आएगा उसमें 2 से इसमें भाग दिया जाता है फॉर्मूला में। और ए क्या है, प्रथम पद है, इसमें 2 से गुना किया जाता है, और ये तो आप समझते ही हैं, एन अंतिम पद और डी सर्वांतर। ठीक है, चलिए प्रश्न को अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ये, फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था आपको। ठीक है, लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे होंगे तो। देखिए, प्रश्न संख्या 1 इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, बोला कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एसएन ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग मतलब एसएन, एसएन ही बोल रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, मतलब कि एसएन आप ज्ञात करिए। ठीक है, पहला समानांतर श्रेणी क्या दिया है जी, पहला दिया है 2, 7, 12। ठीक है, ऐसे करते करते 10 पदों तक, कितनी पदों तक ज्ञात करना है जी, 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक ज्ञात करना है, मतलब हमको ए मालूम हो गया, ए कितना दिया है 2। ठीक है, डी बताइए तो कितना दिया है, 5। ठीक है, 10 पदों तक, मतलब एन कितना दिया है, एन 10 दे दिया है। ठीक है, आइए एसएन वाला फॉर्मूला पे हम इसको बनाते हैं। एसएन वाला फॉर्मूला क्या था बताइए, कमेंट करिए, एसएन वाला फॉर्मूला क्या था, एसएन वाला फॉर्मूला ये था, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था। चलिए एसएन निकालिए, एन का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है ना, 10 रख दीजिए, बट्टा 2 तो 2 कर दीजिए, 2a मतलब 2 गुणे a, a कितना दिया है, 2 दिया है ना, प्लस n माइनस 1, n कितना दिया है, 10, माइनस 1 कर लेंगे, d कितना दिया है, 5, d कितना दिया है, 5। देखिए, हर एक चीज दिया है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा गुना भाग कर देना है, और इतना तो आना चाहिए, यही तो मैथ है। देखिए, ये जब 10 में भाग देंगे 2 से तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये देखिए 9d हो जाएगा, डी के वैल्यू हमको दिया था, देखिए छूट गया, डी के वैल्यू 5, यहाँ पे 5 रखना है। ठीक है, आइए देखिए, 5 हो गया ना, चलिए कितना हो गया, 5, 4, 9, 5, 45 होता है, 9, 5, 45 होता है, आइए देखिए, 5 गुना में है 45, 45, 9, 4, 39 हो जाएगा, 45, 4, 39, अभी गुना करिए तो 9, 5, 45 का 5, हाथ में लगा 4, 5, 4, 24, 245, कितना आया जी, 245। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसमें और कितना, और 3 छूट रहा है, 3 छूट नहीं रहा, हम उसको छोड़ रहे हैं, जान के छोड़ रहे हैं, आप इसको होमवर्क मिल रहा है आपको बना के, आप नीचे ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर होमवर्क आप भेज सकते हैं। ठीक है, नहीं बनेगा उसके बाद हम लोग बताएंगे उसको। देखिए, एग्जाम आपको देना है तो ज्यादा रिवीजन किसको करना चाहिए, आपको करना चाहिए ना, तो सब क्वेश्चन हम बना देंगे, फिर आपका बनाइएगा, आपको भी तो बनाने के लिए कुछ चाहिए। मैट्रिक में फर्स्ट किसको आना है, आपको आना है ना, तो आप बनाइए, एक हम बता दिए चलने का रास्ता, उस रास्ते पे चलिए आप। देखिए, प्रश्न क्या, हम लोग 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
प्रश्न के दो में बोले कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए इसका भी हम लोग बनाएंगे कि, कौन सा क्वेश्चन, इसका दो नंबर बनाएंगे। ठीक है, इसका दो नंबर बनाएंगे, एक नंबर और तीन नंबर आप बना के लाएंगे ग्रुप में। ठीक है, एपी किया दिया है 33 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 30 प्लस नहीं दिया ना जी, ऐसे करते करते 10 प्लस तक किया है। मतलब कि इसमें ए दिया है कितना 34, डी दिया है कितना, डी कितना दिया है जी 34 में 2 घटाइए, सॉरी 32 में से 34 घटाइए माइनस 2। ठीक है, और ये क्या दिया है, ये एन दिया है, एन दिया है कितना 10। सर अब एन तो दिया ही नहीं है, कैसे यहाँ पे इसमें फॉर्मूला हमारा होता है क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन तो दिया नहीं तो कैसे करेंगे। तो देखिए एन यहाँ से आप निकाल लीजिए, एन इसीलिए ना दिया है, एन में निकालने के लिए एन दिया है। ठीक है, एन कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, 10 दिया है, ए का वैल्यू 34 प्लस एन निकालना ही हमको, डी कितना दिया है माइनस 2, 34 इधर करिए जानते हैं कितना हो जाएगा, ये माइनस 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 24, आई देखिए माइनस 2 हो जाएगा। अभी गुणा में है ना, इसको इधर भेजिएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 12, आई को हर जोड़ के 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 मान लीजिए एन बराबर 13 आ गया हमारा, एन बराबर हम लोग का 13 आ गया। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे ना, यहाँ पे एन बराबर 13 बट्टा 2, आई देखिए 2 गुने ए कितना दिया है 34। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना दिया था 13 माइनस 1 करेंगे 12 होगा। अगले स्टेप में डी कितना दिया है हम लोग का माइनस 2, देखिए ऐसे 13 बट्टा 2, ठीक है 34 दुना 4 गुना 8 है 68 हो गया। ठीक है, आई प्लस आई 12 गुने माइनस 2, ठीक है जैसे देखिए 13 बटा 2 68 प्लस 12 दुना 24, लेकिन माइनस में 24, इसमें 24 माइनस में 24 हो गया। अभी देखिए जैसे 13 बटा 2 घटाइए तो कितना आ रहा है, घटाइए 4, आई देखिए 4 44 आ गया, काटिए 22, 13 और 22 से गुना करिए, 13 और 22 का यहाँ पे गुना करके देखिए 3 गुना 6 आई 2, 3 गुना 6 आई 2, 6 8 286 आ रहा है, कितना आ रहा है जी जैसे बराबर 286, कितना ही आंसर हो जाएगा जैसे बराबर 286, इसको नोट करिए। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में बताइए, समझ में आया कि नहीं कमेंट बताइए। कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे एन से एन निकाल लिए हैं और एन का वैल्यू इसमें नहीं दिया था, तो एस एन निकालने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर दिए, आ गया आंसर 286, बीच में थोड़ा कटन काट खेल लिए हैं। ठीक है, वैसे ही करना है। आइए प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन आप होमवर्क दे रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं, कॉन्सेप्ट वही है जो बताए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि ए बराबर 5 दिया है, प्रश्न संख्या 3 का पहला ए बराबर 5 दिया है, ए बराबर कितना दिया है जी 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है। ठीक है, डी बराबर 3 दिया है, और क्या दिया है, एन बराबर 50 दिया है, एन बराबर हमको 50 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, एन और एसएन पूछ रहा है, मतलब एन निकालिए कितना होगा, एसएन निकालिए कितना होगा। ठीक है, एन और एसएन हम लोग को निकालना है, एन और एसएन हम लोग को निकालना है। देखिए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू 50 दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना दिया है जी निकालना है माइनस वन। ठीक है, डी कितना दिया है हम लोग को, डी 3 दिया है, 3 दिया है ना, डी कितना दिया है जी, डी 3 दिया है, आइए देखते हैं डी 3 दिया है, फिर 5 प्लस में है, इधर करिए इसको माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गए तो इधर 45 हो जाएगा ना। अब देखिए एन माइनस वन इंटू इधर करिए, पंद्रह बार में कट जाएगा, कितना बार में 15 बार में, आइए भाई मिलके 16, एन का वैल्यू निकल गया 16, एन का वैल्यू निकल गया 16। अब चलिए यहाँ पे एस एन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, एस एन का, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला बताइए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऐसे चैप्टर खत्म होने के बाद वन शॉट में ये पूरा मतलब आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू कितना आया जी, 16/2 टू ए कितना दिया, देखिए ए ए ए 5 दिया है ना जी। एन कितना दिया जी, 16-1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3, ठीक है। देखिए एस एन 16-8 हो गया ना जी, 10 हो गया, कितना हो गया 15 / 45 ना जी, 45 एस एन बराबर 8, 45 × 10 = 55 ना जी, 55 में 8 से गुना करिए, 8 × 45 के सुना 8 लगा 4, 8 × 45 अच्छा 45, 450। इस सन के वैल्यू आपका कितना आया है, इस सन के वैल्यू 450, ठीक है। 8 × 45 के सुना 8 लगा 4, 8 × 45 अरे यार देखिए आप 44 होगा, 4 होगा, ठीक है, नोट करिए, वही हम मिला रहे थे थोड़ा। देखिए प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताएंगे बस क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस हो जाता है वो दूसरा बात है। प्रश्न के 3 का एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का, प्रश्न के 3 का एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, दूसरा बता देते हैं, ठीक है। प्रश्न के 3 का एक और दूसरा हम आपको बता देते हैं, दूसरा में क्या दिया जी, ए बराबर 7 दिया है, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 7, और क्या दिया है, ए 13 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, ए 13 का वैल्यू कितना दिया है जी हमको, 35 दिया है ना जी, और क्या दिया है, डी और एस एन बोल रहे डी निकालिए हमको, और क्या बोल रहे हैं, एस 13 निकालिए, एस 13 निकाल के दिखाइए, आइए इधर, आइए ए का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। ए 13 मतलब क्या, ए 13 मतलब यही ना, a+12d, ए 13 का मतलब यही ना होगा, देखिए ए 13 का वैल्यू कितने दिया है, 35 दिया है ना, 35 चलिए ठीक है भाई, देखिए a+12d, a कितना दिया हमको, 7 दिया है ना जी, 7 भाई, ए को इधर करेंगे तो माइनस से बनाएगा, तो चलिए डायरेक्ट ही घटा देते हैं, एक स्टेप बचेगा आपका, ठीक है। 7 को घटाइए तो 35 में से 7 घटाइए, 19 से 28 आएगा ना जी, 28 आएगा, आई 12d हो जाएगा, 12 इधर भेजिए, 28/12d कट जाएगा, ये कैसे कटेगा, 2 से कटेगा 14/6, एक राउंड और कट जाएगा 7/3 ना जी, d बराबर 7/3, चलिए इसको इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ से d बराबर 7/3, जगह नहीं है उधर बनाने के लिए, मिटाते हैं और फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस एन s13 निकालना है, s13 ठीक है, s13 मतलब समझ रहे हैं 13वां पद तक उसका जोड़ निकालना है, योग कितना पद तक निकालना है, योग उसका निकालना है जो 13वां पद तक निकालना है, तो 13वां पद मतलब n का वैल्यू 13 दे दिया ना, n का वैल्यू 13 दे दिया, चलिए फॉर्मूला हमारा यही ना है, n/2 2a + n-1 × d यही ना है, चलिए s13 n का वैल्यू कितना रखेंगे, 13/2 2 × a कितना दिया, देखिए तो 7 दिया है, दिया ना 7, ठीक है। एन 13 में से घटा दीजिए 12 डायरेक्ट बना रहे हैं अपनी, डी कितना दिया, डी दे दी 7/3, ठीक है। 13/2 7 गुना हो गया 14, जोड़ में है 14 जोड़ में है, ठीक है भाई, देखिए ये कट जाएगा, काट दीजिए, कितना 4 × 4 = 28 हो गया ना। अब चलिए 13/2 जोड़िए तो 8 × 4 = 2, हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, अच्छा 3 × 4 = 42 कट जाएगा 21, अब 21 को आश्चर्य गुणा कर दीजिए, देखिए 13 × 21 कर दीजिए तो कितना रहे, 3 × 3 = 1, 3 × 6 = 2, 273 कितना आएगा इसके वैल्यू, 273, ठीक है, इसके वैल्यू कितना आएगा, 273, चलिए नोट करिए उसको, उसको नोट करिए,
एक्सरसाइज को बार बार बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस और बेहतर हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके, ठीक है। जितना बार बनाइएगा उतना बार आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रश्न संख्या हम लोग चार को करते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग चार को डेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे उसको। देखिए प्रश्न संख्या चार बोल रहे हैं, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितना योग प्राप्त करना है जी। 636 मतलब एसएन, एसएन तो दे दिए है ना, एसएन हमको पहले ही दे दिए, एसएन क्या दे दिया 636 दे दिया पहले ही, ठीक है। प्राप्त करने के लिए एपी, एपी को दिया है, एपी क्या दिया है 9, 17, 25, 9, 17, 25, ठीक है। तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं 9, डी निकाल लेते हैं 17, 9 हो गया 8 हो गया, ठीक है। एपी प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, मतलब इन पूछ रहे हैं, उसे पूछ रहे क्या रहे हैं, इन इन बराबर बताइए। आइए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पता है ना। एसएन एसएन कितना दिया थी 636 पर ही दे दिया, दे दिया ना, एन बाई टू टू गुण ए, ए कितना दिया है, ए ए 9 दिया है, दिया ना, एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 8 दिया है, हो गया। आई देखिए गुना में है ना, गुना में है, इसको इधर भेजिए, जब इसको इधर भेजेंगे ना तो भाग में, सॉरी भाग में है, इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, जानते हैं 1272 आएगा इसका गुना, 1272 और कैसे आएगा गुना करके देखिए, 9 × 18 प्लस, आई देखिए गुना करिए तो कितना हो जाएगा 8n - 8 हो जाएगा, ठीक है 8n - 8 हो जाएगा। अब देखिए 1272, आई देखिए एन प्लस में 18 माइनस में 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घट के चलिए 8n। अब चलिए इसको गुना करिए तो n से आई 10n हो जाएगा, 10n हो जाएगा, हाई n गुना होगा ना, ये जब गुना हो जाएगा तो ये 8 जोड़ में 8n² हो जाएगा, 8n², ठीक है। प्लस में 1272 उधर भेजे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है कौन सी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1272 लिख देंगे। अब देखिए अब बराबर में कितना है, सुनना ये कुछ नहीं बचा ना, तो सुनना अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो सब में से तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें गुणनखंड विधि से इसको तोड़िए, ठीक है, कौन से विधि से, गुणनखंड विधि से, तो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमको, तो इतना पहले नोट कर दीजिए फिर इसको हम थोड़ा आगे बनाते हैं, ठीक है। एन का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसका वैल्यू निकालना है, एन बराबर वाट निकालना है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, जब इसको गुणनखंड विधि से तोड़िएगा ना तो जानते हैं कितना में होगा, ये हो जाएगा 50 कितना 4n² प्लस ये हो जाएगा 53n प्लस 48n माइनस 636 ऐसे टूटेगा ये, ठीक है। देखिए इसमें n कॉमन लीजिए, n कॉमन लीजिए तो यहाँ बच गया 4n प्लस इतना बच गया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 कॉमन लेंगे 4n और माइनस प्लस 53 हो जाएगा ना, गुना करना है तो उतना आना चाहिए, ठीक है। n माइनस 12 4n प्लस 43 हो गया 53 सॉरी। अब देखिए इसको करिए तो दो पार्ट में कर लिया जाता है बराबर 0, अब 4n प्लस 53 बराबर 0। अब इसको करिए तो n बराबर यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, अब ये 4n बराबर माइनस 53 देखिए तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया तो 53 माइनस 4 कटाएंगे तो क्या निकल आएगा, दशमलव पॉइंट में आएगा, यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है मतलब पूरा अंक आ रहा है तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है बता देते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लिया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5 के बाद हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहे हैं कि किसी एपी का प्रथम पद ए जो दिया है वो दिया है 5, ठीक है, अंतिम पद मतलब एन कितना दिया है जी 45 और योग एसएन जो दिया है 400 दिया है, ठीक है। पदों की संख्या निकालिए और डी निकालिए, ठीक है, मतलब कि जो प्रथम पद दिया है मतलब प्रथम पद ए जो दिया है 5 दिया है, ठीक है, और क्या दिया है जी अंतिम पद मतलब एन दिया है, क्या दिया है एन कितना दिया है 45 दिया है 45 और क्या दिया है एसएन एसएन कितना दिया है
400 पदों की संख्या और सर्वांतर निकालिए। चलिए एन यहाँ पे देखिए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, डी होता है ना। अब देखिए एन के वैल्यू कितने दिए हैं 45 बराबर ए कितना दिया है, ए कितना दिया है 5 दिया है, प्लस एन कितना दिया नहीं दिया है माइनस वन इंटू डी, डी कितना दिया है नहीं दिया है, निकालना है ठीक है, डी हमको निकालना है। देखिए 5 प्लस में है इधर करेंगे तो माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है, 40 हो गया। अब देखिए इधर क्या बच गया, एन माइनस वन इंटू डी बच गया ठीक है। चलिए थोड़ा गुना में है ना, देखिए पूरा पार्ट गुना में, एन माइनस वन इंटू डी गुना में है, इसको इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इतना हो जाएगा ठीक है। तो डी का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, क्या समझ में आया कैसे निकला ठीक है। आइए अब ये एस एन का लेके इक्वेशन बनाते हैं ठीक है, एस एन को लेकर एस एन बराबर एन माइनस एस एन बराबर एन माइनस टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है। अब देखिए एस एन बराबर एन कितना दिया है नहीं दिया है ठीक है, टू इंटू ए, ए कितना दिया है तो 5 दिया है ठीक है, जोड़ एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया है, डी देखिए यहाँ पे निकाला है ना, डी के ये वैल्यू उठा कर रखती है तो 40 बटा एन माइनस वन यही है, देखिए हाई गुना में है इससे हमें कटेगा कट जाएगा बिल्कुल कटेगा। देखिए एस एन बराबर एन बाई टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जोड़ उधर कितना बचा है 40 बचा है, बचा है ना, एस एन बराबर एन बाई टू देखिए 10 50 हो गया, वो ना 50 काटी गई से तो 25 हो जाएगा, हो जाएगा ना 25। और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे देखिए एस एन, एस एन का मैंने वैल्यू निकाले हैं 400 निकाले हैं ना, एस एन का वैल्यू 400 चलिए रखिए 400 देखिए यहाँ पे क्या दिया है एन गुने 25 ऐसा ही कर दिया है, 25 गुना में इधर करिएगा तो भाग में हो जाएगा, गुना में से कहाँ जाता है भाग में हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे एन हो गया कटेगा कितना बार में, आइए काटते हैं इसको 5 से काटिए तो सॉरी 25 8 200 मतलब ये 16 बार में कट जाएगा ना जी, एन बराबर 16 एन बराबर 16 बार में कट जाएगा, एन बराबर 16 बार में कट गया तो एन का वैल्यू तो निकल गया लेकिन अभी डी का वैल्यू हमारा बाकी लग गया ठीक है। आइए डी का वैल्यू भी हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर में निकाल लेते हैं, डी वाला इक्वेशन क्या दिया, डी वाला इक्वेशन यही दिया है 40 बट्टा एन माइनस वन, देखिए एन का वैल्यू आ गया है हमारे पास 16, एन का वैल्यू आ गया है हमारे पास 16 यानी कि 16 माइनस वन ठीक है। आइए देखिए ऊपर आ गया 40 बट्टा 15 कितना हो गया काटिएगा तो चलिए 5 से काटिए, 5 8 40 5 3 15 मतलब 3 8 ठीक है। उम्मीद है ये प्रश्न सभी जितने प्रश्न आपको पढ़ाए हैं समझ में आया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो आप फीडबैक दीजिए कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग तरीका से कुछ बताया जाएगा ठीक है। और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, 3 महीना टाइम है, 3 महीने केवल हम लोगों को मेहनत करने से नहीं निकलने वाले हैं, आप लोग को भी मेहनत करना होगा, ये बात कहीं गांठ बांध कर रख लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।